हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी को हमारे रिजल्ट के माध्यम से हमारी फोटोज़ जो कम्युनिटी में पोस्ट हुई है कि विक्रांत बैज ने इस बार 200 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं हमारे यूपीपीसीएल टीजी2 में, इसी के अवसर पर हमने रमन सर के आगमन पर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। तो मैं अभी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी ब्रांच हेड मिस्टर अरुण सर, मिस्टर थापा सर एंड मिस्टर सोनबीर सर को कि वे आकर रमन सर को वेलकम करें बुके देकर। साथ ही में उमेश सर को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप यूपीपीसीएल टीजी2 में सिलेक्टेड सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें।
ये हम सभी के लिए एक अनमोल उपलब्धि है जिसमें हमने न केवल उनके सपनों को साकार किया है बल्कि हमने इस देश के लिए एक अपने देश के विकास में भी अपना हमने योगदान दिया है। तो इसके पश्चात मैं अब स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी रमन सर को कि वे अपने ज्ञान एवं अनुभव के साथ हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। केदारनाथ की जय। आपने बहुत अच्छा ये इवेंट रखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बच्चों ने चयन प्राप्त किया है UPPCL TG2 में, उन सभी को बधाई और उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। प्रभु उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, आगे जीवन में ऐसे ही बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही उनके लिए प्रार्थना है। और जो आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, जो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें भी इसे एक जड़ी बूटी और बूस्टर डोज के रूप में लेना है। और मैंने इस सिलेक्शन में कुछ चीज़ें नोटिस की है, वो ये है कि जो विद्यार्थी गुरु को गुरु मानते आए हैं और माना है, जिन्होंने गुरु के कहना मानकर मेहनत की है, अपने आप को सब कुछ नहीं मानकर चले। अगर हमने कहा कि पेपर दीजिए तो पेपर दिए, हमने कहा रिवीजन करो तो रिवीजन किया। मेरे कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हैं वैसे ही कुछ सेलेक्ट है जिन्होंने लगभग अपना जो टाइम टेबल बनाया भी वो धरातल पे उतारा, और जिन्होंने गुरु को गुरु माना है। जैसे 5 बच्चों का दोस्तों का सिलेक्शन हुआ तो वो मिलने आए, रूम पे ही पहुंच गए प्रयागराज में, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जब हम पेपर देने के लिए निकलते थे तो बढ़िया अच्छी खासी धूप होती थी, गर्मी होती थी, जब हम पेपर देने जाते थे वो बोलते थे अरे नहीं यार नॉर्मल टेस्ट सीरीज ही तो है, हमें क्यों देना है पेपर, हम पेपर घर पे ले आना दे देंगे। और सर कई बार हमारे भी मजाक बनाते थे और आपके भी बनाते थे। तो मैंने पूछ लिया कि भाई रिजल्ट क्या रहा, कि सर 100 नंबर भी पार नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी ने, जितने भी अध्यापक गण हैं, हम सभी ने मिलकर जो भी एफर्ट और मेहनत की है उसे धरातल पे उतारना, वो कहना कि विद्यार्थी की जिम्मेदारी भी है, और विद्यार्थी उसे तभी उतार पाते जब सच्चाई और ईमानदारी से वो मेहनत करें। ये जरूर है कि इस बैच ने उम्मीद से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं, क्योंकि पहले एक बोलने के लिए अलग होता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये जरूर था कि यार 100 तक तो चलो ठीक है, कि 70-80-100 तक चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम 100+ बच्चों को फाइनली ज्वाइनिंग मिला था। लेकिन इस बार अभी देता हूँ बेबी, लेकिन इस बार बच्चों ने और जम के मेहनत की, और जबकि इस बार के जो पेपर थे कुछ शिफ्ट में बहुत अच्छे लेवल के थे, लेकिन बच्चों का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा रहा है सिलेक्शन का। और अभी ये मेरे हिसाब से आंकड़े इकट्ठा होने में भी 5-7 दिन और लगेंगे, तो हम ठीक ठाक एक संख्या पर होंगे। फिलहाल भी मेरे हिसाब से पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग ही UPPCL TG2 का ये फॉर्म भरते हैं, जो ITI किए हुए बच्चे हैं, तो पूरे इंडिया के लोग एलिजिबल हैं जो हिंदी जानते हैं यूपी में फॉर्म भरने के लिए। तो इस वैकेंसी का मोर देन 25% सिलेक्शन आपकी एकेडमी का है, बाकी 75 में और बाकी 70-75% में, जबकि ये बढ़ के और मेरे हिसाब से 30% तक चला जाएगा, तो बाकी सब में सब है। और बढ़िया चीज़ ये है कि बड़े बड़े लोगों ने खुले मंच पे जब हमने शुरू किया ये, तो हम लोगों को गालियाँ भी दी हैं और मजाक भी बनाई है कि अपना नुकसान कर बैठे, ये हो गया वो हो गया। लेकिन देखो ये एक संघर्ष के जैसा रहा है कि पिछला 1-1.5 साल हमने, और मुझे बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि मैं कोई, आप लोग मुझे अच्छे से जानते भी है भाई, कि जो है तो मतलब है, हम सभी ने मिलकर पिछले 1.5 साल में काफ़ी दिक्कतें देखी है फाइनेंशियली तौर पर भी। अगर मैं पैसे के हिसाब किताब की बात करूं तो अगर इस बैच को हम कुछ फीस रख के सेल करते हैं तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से वैकेंसी थी और जिस हिसाब से मार्केट में
हम सभी ने मेहनत की हुई है, उस हिसाब से मोर देन 50 लाख का हम इस कोर्स को उस टाइम पे वैकेंसी के टाइम पे आराम से सेल कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले ही एक्चुअली हमें पता भी नहीं था कि जब वैकेंसी आएगी, हमने वैकेंसी आने से एक दो दिन पहले इसको हमने लॉन्च किया। लेकिन जैसे लॉन्च के वैकेंसी आ गई तो एक बार की दिमाग में मेरे जरूर आया, और हम सभी ने ऐसे ही मजाक मजाक में एक दो बार बोला भी कि यार एक काम करते हैं तो फीस रख लेते हैं। लेकिन फिर दिमाग में आया जो एक बार वादा हो कर लिया तो फिर कर लिया आप कुछ भी हो। हमने फिर डिसाइड किया कि इसमें कोई फीस नहीं रखेंगे, और मेरे हिसाब से इसमें आज आप लोगों को एक आंकड़ा मैं बता दूं कि फिलहाल ये 852 बच्चे हैं जिन्हें फाइनली जॉइनिंग मिला है, लेकिन इन 852 में से एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसने आपके विक्रांत बैच से पढ़ाई नहीं की है। इन 852 के 52 बच्चों ने विक्रांत बैच से पढ़ाई की है। वो अलग बात है कि बेचारों की अलग अलग मजबूरियां हैं, जैसे किसी का व्यक्तिगत किसी से जुड़ाव या लगाव हो। और देखो पहली बार ऐसा एक आंकड़ा सामने आया है कि आपकी एकेडमी के अलावा बाकी एकेडमी के पास में पब्लिक करने के लिए इतना कोई ऑथेंटिकेट डाटा अवेलेबल नहीं है। सब ने नीचे लिख दिया 4 फोटो लगा के 200 मोर, फोटो 4 200 मोर, लेकिन आपकी एकेडमी के पास में बच्चों का ऑथेंटिक डाटा है, हर एक चीज़ प्रॉपर है। बल्कि हितेश सर ने उन बच्चों ने मिलके, मैंने जब व्हाट्सअप का कराया तो प्रॉपर बच्चों के मैसेज भी इस फोन में भी है, और वहाँ जो हमारा पोर्टल है वहाँ भी प्रॉपर एक डाटा है। तो कुल मिलाकर पहले ये वैकेंसी मेरी देखने में ऐसा आया है, नहीं तो हर बार ये होता था कि वैकेंसी 852 और सारे कोचिंग मिलके इतनी सिलेक्शन दिखा दिए कि वो जाते 2000 थे। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि वैकेंसी 852 और मार्केट में टोटल जो कोचिंग वाले जोड़ के दिखा पा रहे हैं वो टोटल 400 ही है, जिनमें से 250 आपके अकेडमी के अकेले के हैं। तो इस चीज़ से ये चीज़ साबित होती है कि पढ़े ये सब है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा होते हैं इस नेचर के कि हमें तो जिक्र नहीं करना अपना, हम बन गए तो बन गए, कुछ किसी और कारणवश अपना बताते नहीं। लेकिन हम सभी अध्यापक गणों से वो लोग सभी पढ़े। एक बहुत बढ़िया खुशखबरी, और जो कहीं ना कहीं हमें भी एक बूस्टअप का काम हमारे लिए भी है, जो हमारे एक फाउंडेशन बैच से एक बच्ची गई है आंचल सेलेक्ट होके, तो उसके सिलेक्शन से मैं ये कहूँगा कि जो ये 17 बच्चे जो भी है उनकी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है कि भाई वो भी अपना सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहें और आने वाले टाइम में अपने सिलेक्शन को वो भी कन्फर्म करें। टीचरों का काम एक डायरेक्शन देना है, और जो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना है भाई वो है आप लोगों के लिए, बाकी उस चीज़ को धरातल पे उतारना वो कहीं ना कहीं आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। और बच्चों मैं बार बार आप लोगों को यही बोलता हूँ, सॉरी सर आप बच्चे नहीं हो, मतलब उनको ही बोल रहा था मैं भी कहीं ना कहीं एक मैं हमेशा समझाता हूँ कि देखो ये मत बोलो कि ये लड़ाई आपकी है, अगर लड़ाई आपकी है तो लड़ना आपको है। इसमें बस हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और वो सपोर्ट हमारा आपके प्रति कहने के लिए तो 100% होता है, लेकिन उसे आप अपने लिए खुद के मात्र 5% मान के चले, उसमें 95% आप ही को करना है। तो हम आप लोगों के लिए भाई जो भी अच्छा सपोर्ट है वो हमेशा बना रहेगा, और जो ये 2024 के एक बहुत शानदार शुरुआत रही है रिजल्ट्स के रूप में, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि इसके जब समाप्ति हो तो हम बहुत अच्छे एंड पे खड़े हो सिलेक्शन के रूप में। आप लोग सब अपना मेहनत करिए, जितने भी ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, अगर ये वीडियो बाद में अपलोड भी करें सर तो वो बच्चे भी अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करिए। और इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में हम सभी ने मिलकर, हम जितने भी इलेक्ट्रिकल में हैं और उसको बैकअप एक सपोर्ट दिया है, फिर जो लोग नॉन टेक्निकल में बच्चों को तैयार करके भेजते हैं, तो इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट डाले हैं, काफ़ी मेहनत की है। और बच्चों के लिए पर्सनली तौर पे मैं बताऊँ तो हमेशा यही विचारधारा है कि यार जब पेन लेके यहाँ खड़ा हुआ तो मैं फिर देखता भी नहीं कि सामने ये फ्री वाला बैठा या फिर पैसे देकर बैठा है भाई, क्योंकि यार टीचर को ये कैलकुलेशन पढ़ाने का हिसाब किताब फिर लगता ही नहीं भाई, क्योंकि फिर तो यही यार ये अगर हमें एक पॉइंट आता है तो फिर तो भैया हमें एक पॉइंट बताना पड़ेगा। तो अपना बढ़िया से बढ़िया आप लोग मेहनत करिए, आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया हम लोग पढ़ाते रहेंगे,
और 2024 के लिए कुछ अलग से बढ़िया बढ़िया चीज़ों पे प्लान भी हम लोग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है, मैंने फाउंडेशन डे पे भी कहा था, कुछ बढ़िया सा अपना और कंटेंट के रूप में और चीज़ों पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और 2024 की पिक्चर अभी बाकी है, कुछ और बड़ा हमें करना है, इसकी मैंने हिंट्स आप लोगों को दी है। बाकी हम लोग जब धरातल पे उतारेंगे तब उसको बताएंगे, वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है सर है। बाकी डिफेंस के लिए मैं ये कहूँगा कि जो पॉजिटिव अप्रोच हम लोगों ने अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रखी है उसी को कंटिन्यू हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में भी करेंगे। और एक साल के अंदर, अभी एक साल हुआ नहीं, हम लोगों ने वो बेसिक चीज़ें सारी इकट्ठा करने की कोशिश की है जिससे डिफेंस के क्षेत्र में हम मजबूती के साथ में कदम रख सकें। इसमें हमारे इंजीनियरिंग के जो विद्यार्थी है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन पढ़ते हो, वो भी एक सपोर्ट हम लोगों को करेंगे, क्योंकि हर एक परिवार में 10वीं वाले 12वीं वाले डिफेंस के जो दिलचस्पी रखते हो वो विद्यार्थी होते हैं, तो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे इसमें। और कहीं ना कहीं हम डिफेंस के क्षेत्र में भी आने वाले एक दो साल में बहुत अच्छा अपने आप को स्थापित करेंगे। बाकी हमारी तो शुभकामनाएं आप लोगों के सभी के साथ हैं, और बाकी बधाई के पात्र सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस, जैसे सर तो बिल्कुल कमाल का मैराथन मैं देख रहा हूँ आजकल डिफेंस वाले बच्चों के साथ में, और बच्चे कुछ रिजल्ट क्रिएट करें उसकी शुभकामनाएं आपको। फिर मेरे साथ विक्रांत बैच में सर ने बड़े अच्छे से मेहनत की है, सर ने कंप्यूटर में बहुत अच्छे से मेहनत की है, सर ने जीएस में बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, सर ने ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से मेहनत की है। आजकल आशुतोष को तो बुखार था सुबह, अच्छा तो आराम कर लेता, आशुतोष भी अपना पूरा एफर्ट कर रहा है। बाकी जो बच्चे टेस्ट सीरीज और कंटेंट में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी शैलेंद्र सर के हाथ में थोड़ा चोट थी तो आज जैसे उपस्थित है नहीं, शैलेंद्र सर ने कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स में शानदार पढ़ाया है। अपना सभी का एक सहयोग है, टीम एफर्ट है। जैसे जिन बच्चों ने किताब बना के बच्चों को दी, टेस्ट पेपर हमने बहुत सारे करवाए, जैसे ये विनय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टेस्ट पेपर बनवाए, और हमने आई थिंक यहाँ बच्चों को भी 25-30 पेपर हमने प्रैक्टिस करवाए। और देखो पॉजिटिव चीज़ें यही है, आप किसी एकेडमी किसी व्यक्ति में निगेटिव तलाशोगे तो आपको वैसा ही दिखने लग जाएगा, लेकिन ये जो बच्चे टेस्ट पेपर बना के ये कराने के लिए आते थे, इनसे ये पूछो कि जो विक्रांत बैच में यहाँ ऑफलाइन में बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, उनसे इवन एक सिंगल पेपर का भी एक सिंगल रुपया भी इन्होंने लिया है क्या? कोई पैसा कोई चार्जेज नहीं लिया। और जितने पेपर हम लोगों ने कराए हैं कि लोगों ने पेड़ में भी नहीं उतने पेपर कराए जितने हमने विक्रांत बैच में पेपर करा के भेजे हैं। बाकी आईटी वाले बच्चों ने क्लासेस में बहुत अच्छा शानदार सपोर्ट किया है। तो अब बारी है 2024 की, 2024 में हम लोगों ने विक्रांत प्रो बैच करके एक लॉन्च किया है, और उस बैच में भी हम लोग सिलेक्शन का एक धमाल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्रांत बैच में हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये जरूर की है कि हमने पढ़ाया बहुत है बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव डाटा हम नहीं कर पाए एप्लीकेशन पे। अगर हमारे किसी भी छोटे मोटे कोर्स में भी, जो शायद 600 समथिंग का हमारा ये कोर्स है विक्रांत बैच अभी जो आया है, इसमें भी हमें 1000 टेक्निकल पढ़ाना है, 1000 घंटे ने, फिर नॉन टेक्निकल भी इसी में, टेस्ट सीरीज भी इसी में है, तो इससे हमारा थोड़ा अकेडमी में भी खर्च भी थोड़ा सा निकलेगा और बच्चों के क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा। तो टीम इस पर भी बहुत अच्छा शानदार काम कर रही है। बाकी अब बारी है SSC JEE का पेपर आने वाला है, NCL का पेपर है इन बच्चों का, इन्हें बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। तो अब इनका खाता खुल गया, एक दो और जाएगा, अब फिर एक दो और निकलेगा, तो कुल मिला के बात यह है कि अपना सारे ये लोग भी जाए। डिफेंस वालों की एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई NDA में खाता खोलो, अपने लिए ना सही, अब हमारे लिए खाता खोलो भाई, क्योंकि वो भी सिलेक्शन ज़रूरी है। बाकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत शानदार बहुत बढ़िया इवेंट रखा। मेरे लिए तो ये मेमोरेबल है यार, कि मेमोरेबल इसलिए है कि एक टीचर वो चीज़ फील कर सकता है, बच्चा तो उसे फील नहीं करेगा। बच्चा तब फील करेगा जब वो हमारे वाली एज में एक टीचर के तौर पे सोचेगा। देखो हमने लाइफ में फेलियर्स तो देखे हैं भाई, लेकिन फेलियर कहीं ना कहीं हमें बूस्टअप ही करते हैं। तो जब अब ये फील होता है कि यार जैसे कोई एग्जाम पास होता है तो अब इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो हर बार यही फीलिंग आती है कि ये एग्ज़ाम भी हमने पास कर लिया। तो जो कमियां हमारी खुद के कैरियर में रही है
उन कमियों को तुम लोग ना करो, यही अपना आपको गाइड करते रहेंगे और आपको यही शुभकामनाएं। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। धन्यवाद। ठीक है, छुट्टी, केक खाइए। खाने की छुट्टी की जाती है। हाँ, तो देखिए अब अंत में हमारे एकेडमी के निदेशक साहब श्री हरि कृष्ण भट्ट जी आएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। हाँ, प्रयागराज का, और कुछ ज्ञान की चार बातें भी बताएंगे। तो हरि सर, कृपया कृपा करके आप स्टेज में आ जाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप सभी का। इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जैसे TG2 का रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, 200 प्लस सिलेक्शन रहे हमारे और विक्रांत प्रो बैच लॉन्च किया गया है। तो आई होप कि 2024 उसी तरह से आगे बढ़े और जो सिलेक्शन रहा है हमारा अभी तक का, वो आगे बढ़ते रहेगा इसी तरह। प्रयागराज के भी जैसा सर कह रहे थे कि प्रयागराज के कुछ अनुभव, तो मुझे ये लगता है कि अनुभव से ज़्यादा रिजल्ट जो आएगा फाइनली, अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं या जो बच्चे वहाँ पे हैं उनका जो रिजल्ट आएगा, तो आई होप वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे इस चीज़ को कि रिजल्ट क्या रहने वाला है। थैंक यू सो मच।